अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? मैं खैरियत से हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं। अब न्यू व्लॉग स्टार्ट करेंगे। आज संडे है, संडे मॉर्निंग मैं लेट उठी थी। डेली जाड़े में मॉर्निंग उठ के थक जाना, एक संडे एक दिन मिल गया तो नींद बहुत देर तक ले ली मैं। आज 10 बज गए मॉर्निंग उठे उठे तक, और मैं मॉर्निंग डेली काम करते रहती हूँ ना, जो क्लीनिंग का काम डेली काम करी मैं, वो काम करे बाद मैं मॉर्निंग में व्लॉग नहीं शूट करी। जो थकावट महसूस हुई तो व्लॉग नहीं शूट करी मैं। इवनिंग के टाइम पे जो वेजिटेबल लाने के लिए मार्केट गई थी, मार्केट में तरकारी संडे संडे रेट कभी कम होता कभी ज़्यादा होता, कभी कुछ लेना पड़ता कभी कुछ नहीं लेना पड़ता, इसलिए जो समझ में आए वीक के लिए ले लेती हूँ। अगर से संडे तरकारी नहीं लाए तो बच्चों को टिफ़िन बनने के लिए बहुत मुश्किल हो जाती, फ्रिज में तरकारी नहीं दिखे तो मॉर्निंग उठते ही क्या बनाना सोचते भी रह जाना पड़ता। यहाँ पे तरकारी में बॉक्सेस में मैं टिशू रख देती हूँ, टिशू रखे तो क्या है बॉक्स ख़राब नहीं होता, और जो भी फ्रिज में जब रखते ना अपन उसमें जो पानी अब्जर्ब होते रहता ना वो पानी अब्जर्ब कर लेता, इसलिए मैं टिशू बॉक्सों में रख देती हूँ और हमेशा, और बॉक्स भी क्लीन रहता। हर तरकारी में ऐसी बॉक्स में टिशू रख के और तरकारी रख देती हूँ मैं। 1 वीक की एकदम सब कट करके फ्रिज में अरेंज करके रख देती हूँ। ये वेजिटेबल जो बॉक्सेस है मैं अगरमच शॉप से ली, मैं स्टील फैक्ट्री सनत नगर में है वो, मैं एक 10 बॉक्सेस ली, फिर भी मैं तरकारी के लिए और एक 4-5 लेने का है और लेना है तरकारी के लिए, बस नहीं हो रहे हैं बॉक्सेस। ये बॉक्सेस के प्राइसेस मुझे अब तो याद नहीं है, बहुत लॉन्ग टाइम होगा मैं बॉक्सेस ले लेके। फिर मैं बॉक्स लेने गए जब, आपको इसके प्राइस के साथ मैं आपको बोलूँगी। और फ्रिज में तरकारी कम हो गई जब, और तरकारी कुछ भी नहीं रहे जब, फ्रिज क्लीन करना बहुत आसान रहता। फ्रिज में मैं तरकारी नहीं रहे जब भी फ्रिज को क्लीन कर लेने की कोशिश करती हूँ। अगर से फ्रिज में फुल तरकारी अगर से रहे और कुछ भी सामान रहा तो क्लीन करने के लिए अपने को परेशानी होती, तो जो तभी मैं फ्रिज में कुछ भी नहीं रहे जब अच्छे से क्लॉथ से पोंछ लेती हूँ, नहीं तो उसमें जो भी शीट्स रखी मैं वो निकाल के पानी से धो के पोंछती हूँ। अगर से उतना ही गंदा नहीं दिखा तो क्लॉथ से ही अच्छे से नीट से पोंछ दे के तरकारी के बॉक्सेस रख देती हूँ मैं। रात के 8 बज रहे, मैं फ्रिज की क्लीनिंग कर रही हूँ, मैं फ्रिज की क्लीनिंग करके तरकारी रखना समझ रही हूँ। मॉर्निंग उठे तो फिर तरकारी की ज़रूरत रहती ना अपने को, मंडे के दिन फिर सालन बनाने के लिए तरकारी काट के रख लेना, कुछ एक तरकारी कट के रख ली मैं, मॉर्निंग से बहुत थक गई थी इसलिए सब एक एक शीट निकाल के पोंछ के अच्छे से बॉक्स अंदर रख दे रही थी मैं। एक तरकारी कट करके रख ली मैं मॉर्निंग में पकाने के लिए।
में तरकारी सब जमा देने का काम हो गए बाद, और मॉर्निंग के लिए डोसा प्रिपेयर करने के लिए भिगा के रखने के लिए चावल ले रही हूँ। ये बारीक चावल है और इधर के मोटे चावल है। मोटे चावल जो भी है वो रेशन के चावल है, और ये बारीक चावल जो नॉर्मली अपन खाते हैं वही चावल है। ये बारीक चावल 4 ग्लास और मोटे चावल 4 ग्लास ले रही हूँ, और वो जो ग्लास से अपन जो माप के लेते वही हिसाब से अपने को ये 4 ग्लास वो 4 ग्लास लेना है। मैं ये 4 ग्लास वो 4 ग्लास ले रही हूँ क्योंकि हम लोग डोसा सब लोग दो दो खा लेते 1 वीक तक होना है, इसलिए मैं ज़्यादा क्वांटिटी में चावल डाल रही हूँ। और जो चावल माप के डाली मैं वही ग्लास से उड़द दाल डाल रही हूँ 1 ग्लास, और इसमें थोड़ी सी मेथी भी अपनी जो हाथ की जो मुट्ठी है वो मुट्ठी के उतने अपने वही क्वांटिटी से मेथी भी डाल देना, और इसको 2 बार धो दे के रख देना। उसके बाद नाइट नाइट तमाम पानी में भीगने दिए बाद मॉर्निंग में इसको 2-3 टाइम्स वॉश करके उसके बाद ग्राइंडर में पीस लेना। और मैं ये डोसे का बैटर के लिए जो मैं चावल भीगने रख दिए बाद थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ, आलू फ्राई लंच में बनाए सो सालन था ही, मगर फिर भी थोड़ा सा आलू फ्राई कर लेंगे बोल के नाइट में थोड़ा सा आलू फ्राई कर रही हूँ। 3 चम्मच तेल डाल रही हूँ, 2 मिनट्स ऑयल हीट हो गए बाद जो आलू कट करी मैं वो आलू को इसमें फ्राई कर लेना है। अब इसमें आलू डालती हूँ, आलू को 5 मिनट्स अच्छे से फ्राई करना जैसे कि कलर चेंज हो गए तक, आलू का अच्छे से फ्राई करके थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है इसमें देखिए आप। और इसमें इस चमचे से जो मैं हिला रही हूँ वो चमचा स्टील का रहना, ऐसे ही जो दबा दबा के हिलाते रहना नहीं तो आलू नीचे बैठ जाता चिपक जाता, इसलिए अच्छे से मिक्स करते ही रहना। मिक्स करे बाद आलू को एक 10 मिनट्स अच्छे से फ्राई करते रहना। फ्राई करे बाद थोड़ी सी अदरक लहसुन और थोड़ी सी हल्दी डाल के फिर मिक्स करना। 1 स्पून सॉल्ट डालना, फिर मिक्स करना। मिक्स करके लाल मिर्ची 2 चम्मच, मेरे जो चम्मच है बहुत छोटे हैं, आपके चम्मच के हिसाब से आप डालिए, और चम्मच से ऐसे ही घुमाते रहना नहीं तो नीचे चिपक जाता। और मैं 2 चमचे मिर्ची डाली, लाल मिर्ची मिर्ची डाल दिए बाद अच्छे से फिरा दे के एक 5 मिनट्स थाली बंद कर देना। बंद कर दिए बाद सालन पक जाता, आलू फ्राई कंप्लीट हो गया। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है, मंडे नाइट में जो चावल मैं
पानी में डाल के जो रखी थी वही मिक्सी ग्राइंडर में डाल के पीस ले रही हूँ। डोसे का बैटर रेडी हो गया। डब्बे में डाल दिए बाद अच्छे से मिक्स करके फ्रिज में रख देना और मॉर्निंग डोसा डालने के लिए रेडी हो गया अपना डोसा बैटर। और मैं डेली वॉशिंग मशीन में कपड़े अपन डालते रहते पर भी अपने को कपड़े धोने के रहे ही कहीं ना कहीं रह ही जाते, तो इसलिए मैं एक दिन छोड़ के भी अगर से डाल दी दूसरे दिन ज़्यादा हो जाते कपड़े, इसलिए मैं डेली कपड़े वॉशिंग मशीन में डालते रहती हूँ, डेली वॉश हो जाते रहते। ये है मेरा आज का ब्लॉग। आप कमेंट्स में सबको बताइए कैसा मेरा ब्लॉग, दिखा? कोई न्यू आके देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे न्यू व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।